मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस शांति से भरा मेरा यह वतन चाहिए, मेरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। आज मैं देवान शर्मा कक्षा 10वीं NTSC से आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है आजादी को बचाना। अगर आजादी को बचाना चाहते हो, अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना पड़ेगा। जो देश के खातिर जीते मरते हैं उनके आगे शीश झुकाना होगा। जो देश के खातिर जीते मरते हैं उनके आगे शीश झुकाना होगा। जो चाहते हो जय हिंद का नारा बुलंद रहे, जो चाहते हो जय हिंद का नारा बुलंद रहे, तो तुम्हें नेता सुभाष बनना होगा। अगर अकबर को उसकी औकात दिखानी है तो तुम्हें प्रताप बनना होगा, तो तुम्हें प्रताप बनना होगा। मुगलों से लोहा लेना है तो, मुगलों से लोहा लेना है तो तुम्हें शिवाजी बनकर आना होगा। अगर गोरी को मौत की नींद सुलानी है, गोरी को मौत की नींद सुलानी है, तो तुम्हें पृथ्वीराज सा बाण चलाना होगा। जो चाहते हो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने, जो चाहते हो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने, तो तुम्हें लक्ष्मीबाई बनना होगा। कभी भगत कभी मंगल तो कभी आजाद बनकर इस पावन धरती पे आना होगा, इस पावन धरती पे आना। जाति धर्म देखे ही बिना, जाति धर्म देखे ही बिना देशद्रोहियों को हाथों से मिटाना होगा। नई पीढ़ी को अभिमन्यु सा, नई पीढ़ी को अभिमन्यु सा गर्भ में ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा। व्यक्तिवाद छोड़कर अब तुम्हें राष्ट्रवाद अपनाना होगा। लोकतंत्र को स्थल लूपों से मुक्त कराना होगा, अब तुम्हें मुक्त कराना होगा। हर व्यक्ति को भारतीय होने का स्वाभिमान जगाना होगा। वीरता की परंपरा को अब आगे बढ़ाना होगा। हर भारतीय को देश के लिए जीना सिखाना होगा। देशभक्ति को भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा, देशभक्ति को भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा। अब हमें आजादी को बचाना होगा, अब हमें आजादी को बचाना होगा। धन्यवाद।